अस्सलाम वालेकुम जो ऑल, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाकई के साथ होंगे। दोस्त, इस वीडियो के अंदर हम मशीन लर्निंग पे डिस्कस कर रहे हैं। मशीन लर्निंग है क्या, उसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम एंड्रयू एनजे के लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं। एंड्रयू एनजे मशीन लर्निंग की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग का मतलब ये है कि आपने एक बच्चे के हाथ में कलम दिया और उसको समझाया, उसके हाथ से लिखवाया कि ये है वन, फिर वन, फिर वन, उसके बाद दिस इज टू, टू, टू। फिर बच्चे से पूछा कि इसमें से टू क्या है और वन क्या है, तो उसने अगर सही बताया कि दिस इज टू एंड दिस इज वन, इसका मतलब ये ठीक तरीके से सीख गया, तो इसको हम कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। यानी यू हैव अ सुपरवाइजर जिसके अंदर वो आपको बताए कि ठीक क्या है, गलत क्या है। अब आपके सामने जो स्क्रीन शो हो रही है सुपरवाइज लर्निंग का इंट्रोडक्शन। हमने हमारा एक रियल एस्टेट बिजनेस है, सपोज करें हम घर बेचते हैं, तो जो हमारे पास एक प्लॉट हमने बनाया, यानी हमने अक्टूबर के महीने में लेट से 49 या 50 50 घर बेच। अब जो घर का कौन सा फीचर था जिसपे प्राइस डिपेंडेंट है, हमने घर का लिया फीचर उसका एरिया, यानी इतने एरिया का अगर घर होगा तो उसकी प्राइस इतने हजार डॉलर्स होगी, इतने एरिया का घर है तो इतने हजार डॉलर। तो ये आप देखेंगे ये स्कैटर्ड प्लॉट बना है। अब ये जो स्कैटर्ड प्लॉट है इसके अंदर ये वाली वैल्यूज का मतलब है इस घर का एरिया तकरीबन होगा 450 स्क्वायर फिट और ये होगा 100 मिलियन के आसपास, ठीक हो। तो इतने एरिया का घर इतने प्राइस के हिसाब से बिका, फिर इतने एरिया का घर इतने हिसाब इतने प्राइस के हिसाब से बिका। तो इस तरीके से हमने पूरे डेटा को डिवाइड कर दिया। अब सुपरवाइज लर्निंग के अंदर जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, दो किस्म, एक है क्लासिफिकेशन, दूसरी है रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब फिक्स क्लासेस जैसे कि हैंड ओपन, हैंड क्लोज, दो क्लासेस। मगर रिग्रेशन मॉडल का मतलब है कि जो चीज कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होती रहे, एक और दो के बीच में इसमें मल्टीपल स्टेट पॉसिबल हैं। जैसे कि इस केस के अंदर एक घर हो सकता है 100 डॉलर का, 100 मिलियन का बिके, दूसरा घर हो सकता है 102 का बिके, 3 का बिके, 4 का बिके। यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शन इन रिग्रेशन मॉडल। तो करंटली हम रिग्रेशन मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं। अब आपने ग्राफ आपने ये प्लॉट बनाया, इस प्लॉट को आपने मैथमेटिकल मॉडल करना है, इसलिए आपने इसके दो मॉडल बनाए, एक है ब्लू लाइन से, दूसरा है पर्पल लाइन से। ब्लू लाइन देखिए ये कर्व है और पर्पल लाइन जो है वो स्ट्रेट है। आपने मैथ्स सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c, ये फॉर्मूला है स्ट्रेट लाइन का। वैसे ही कर्व के अपने फॉर्मूले हैं जो है कॉनिक का, सर्कल का, क्यूबिक का, स्क्वायर का, क्वाड्रेटिक का। ये जहां पे पावर बढ़ने लगी इसका मतलब उसके अंदर टर्न्स आने लगे, कर्वेचर आने लगा। अब हमें ये देखना है कि इस केस के अंदर ज्यादा बेहतर कौन सी, यानी स्ट्रेट लाइन ज्यादा फिट है कि कर्व लाइन ज्यादा फिट है, ये हम देखना चाहते हैं, यानी हम मैथमेटिकल मॉडल बनाना चाहते हैं। ये हुई किसकी बात, रिग्रेशन मॉडल की। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, क्लासिफिकेशन मॉडल की। क्लासिफिकेशन मॉडल, क्लासिफिकेशन मॉडल में क्लासेस होती है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर किसी को है तो दो स्टेट पॉसिबल है, एक बेनाइन और एक मैलिग्नेंट। बेनाइन यानी कैंसर स्टार्ट हुआ है, मैलिग्नेंट यानी कैंसर खतरनाक स्टेज पे है। ये दो स्टेज हैं, इनके बीच में कोई नया स्टेट नहीं, इसका मतलब ये जो मॉडल है ये है क्लासिफिकेशन मॉडल। और जो हमने लास्ट एग्जांपल घर की थी फ्लैट सेल होने की, घर सेल होने की जो ये पिक्चर है उसके अंदर रिग्रेशन मॉडल है, मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल और इसके अंदर टू स्टेट्स आर पॉसिबल व्हिच आर कॉल्ड द क्लासेस। अब इन क्लासेस को हम डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाह रहे हैं, जैसे आपके सामने यहाँ पे एक ब्लू है और एक रेड, ठीक है। ब्लू का मतलब आप मान लें बिनाइन और रेड का मतलब मैलिग्नेंट। इसको हमने क्लासिफाई करवाया, यानी हमने एक मैप करवाया ग्राफ पे एज वर्सेस ट्यूमर साइज। फिर हमने ये देखा कि यार रेड ज्यादातर राइट साइड पे है और लेफ्ट साइड पे है ब्लू, बट व्हेन आई एम सीइंग राइट और लेफ्ट, इसका मतलब ये किसी के रिस्पेक्ट से बात हो रही है, तो जो वो चीज है ये है डिसीजन बाउंड्री। डिसीजन बाउंड्री के राइट साइड पे रेड है और लेफ्ट साइड पे है ब्लू, यानी ये एक आपने बाउंड्री क्रिएट की।
अब वैसे ही हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर वन, यू हैव लार्ज इन्वेंट्री ऑफ आइडेंटिटिकल आइटम्स एंड यू वॉन्ट टू प्रिडिक्ट हाउ मैनी ऑफ दीज आइटम्स विल सेल ओवर अ नेक्स्ट 3 मंथ। आपके पास बहुत सारी इन्वेंट्री है, पता ही है करना है 3 माह में कौन सी आइटम कितनी सेल होगी। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट। दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यू वुड लाइक अ सॉफ्टवेयर टू एग्जामिन इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट फॉर विच अकाउंट डिसाइडेड टू बी हैक्ड और कॉम्प्रोमाइज। आपने एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर आपको दो पॉसिबल स्टेट बता दिए, या तो वो कॉम्प्रोमाइज है या तो हैक। अब इन दोनों में से प्रॉब्लम नंबर वन एंड प्रॉब्लम नंबर टू में से क्या चीज रिग्रेशन है और क्या चीज क्लासिफिकेशन है। आपके सामने ये सारे ऑप्शंस गिवन हैं। इस ऑप्शंस में ये वाला ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन। इस ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम नंबर वन, चूंकि नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर हमें नहीं पता कितना सेल होगा हमारा प्रोडक्ट, कंटिन्यूअस चेंज है, तो इसका मतलब ये रिग्रेशन मॉडल है। और दूसरा प्रॉब्लम, चूंकि इसमें सिर्फ दो ही स्टेट पॉसिबल है या कॉम्प्रोमाइज, तो ये है क्लासिफिकेशन मॉडल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा अनसुपरवाइज। थैंक यू वेरी मच।